हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनीषा। तो दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए कर ले शिवलिंग का ये खास गुप्त उपाय। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों शिवलिंग का ये खास गुप्त उपाय, इसे करने से आपके धन के स्रोत बढ़ेंगे, धन लाभ भी होगा। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव और उनके शिवलिंग का बहुत ही महत्व है। शिवलिंग भगवान शिव का एक प्रतीक है और शिवलिंग की पूजा के कई प्रकार है। भगवान शिव का प्रतिरूप मानकर शिवलिंग पर जलाभिषेक, दूध का अभिषेक, बेलपत्र आदि अर्पित करके भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। यदि आप भगवान शिव की आराधना पूरे संकल्प, संयम और नियम के अनुसार करें तो जातकों की सभी मनवांछित फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, बेलपत्र, दूध, भांग जैसी चीज़ें अर्पित करने के बारे में तो ज़्यादातर लोगों को जानकारी होती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ खास गुप्त उपाय बताए गए हैं। यदि भक्तों ने ये उपाय कर लिए तो जीवन में सिर्फ सुख समृद्धि आएगी बल्कि धन की प्राप्ति भी होगी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों शिवलिंग के खास गुप्त उपाय के बारे में। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर दूध मिश्रित जल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पण करें तथा अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही प्रत्येक पूर्णिमा को जल में दूध मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ देकर व्यवसाय या व्यापार में उन्नति की प्रार्थना करें। नौकरी के लिए प्रार्थना करें। आर्थिक तंगी के छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। तुरंत आपको असर दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, किसी मंदिर में रात्रि के समय जाए और या स्थापित शिवलिंग के पास एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने से पहले शिव जी से प्रार्थना करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहे। इसको किसी सोमवार के दिन आरंभ करने के बाद लगातार आप दोस्तों 11 सोमवार ये उपाय अवश्य करें। इससे आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही प्राचीन उपाय और कारगर माना जाता है। दोस्तों, ये खास गुप्त उपाय है। ये उपाय करते समय ध्यान रखें कि इसका जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए। ये खास गुप्त उपाय है। दोस्तों, पुरुष इस उपाय को बिना नियम तोड़े कर सकते हैं, परंतु यदि कोई महिला ये उपाय करती है तो उसके मासिक धर्म के बीच में आ जाए तो उन दिनों के बीच जाने के पश्चात ही उपाय पूरा करे। जी हाँ दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार रात्रि के समय जब अंधेरा होता है और उस समय शिवलिंग को प्रकाशित किया जाए तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, शिव पुराण में वर्णित है कि भोले शंकर को प्रसन्न करने पर सभी देवदेवता स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में धन समृद्धि आने के साथ ही समस्त समस्या का अंत होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि इस उपाय को नियम पूर्वक किया जाए तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होने के साथ साथ कुंडली में सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय अवश्य करें, इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।